नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान सरकार की तरफ से निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी ही वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते रहें। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू की तरफ से इस वैकेंसी को यहाँ पर निकाला गया है। आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड लैब टेक्नीशियन। इस वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 जुलाई 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपको बताया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड लैब टेक्नीशियन ऑन प्योरली अर्जेंट टेम्पररी बेस यूटीबी पीडीयू मेडिकल कॉलेज चूरू। यहाँ पर आपको बताया गया है आपकी वैकेंसी यहाँ पर प्योरली अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर यूटीबी बेसिस पर यहाँ पर रहने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू की वैकेंसी यहाँ पर ये रहने वाली है। आगे आप इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पर यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर रहे तो यहाँ पर 56 रहने वाली है। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपने 12th क्लास साइंस साइड से किया हुआ है और उसी के साथ आपने GNM या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बताया गया है आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का होना कंपलसरी है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने 12th क्लास साइंस साइड से कर रखा है और आपने GNM या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है और आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बात करें अगली पोस्ट के बारे में, यहाँ पर आपको बताया गया है लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 17 रहने वाली है। आपको यहाँ पर बताया गया है अगर आपने 12th क्लास से साइंस साइड कर रखा है और आपने DMLT डिप्लोमा कर रखा है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का है तो आप लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th क्लास साइंस साइड से किया हुआ है और आपके पास DMLT का डिप्लोमा है और आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से है तो आप लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे बात करें आप इस वैकेंसी के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और उसके साथ आपको अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और यहाँ पर बताए गए एड्रेस पर आपको या तो पोस्ट करना है या फिर आप बाय हैंड भी जमा करा सकते हैं। आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं, एड्रेस आपको यहाँ पर बताया गया है PDU मेडिकल कॉलेज शेखावत कॉलोनी पिन 331001 आपका यहाँ पर एड्रेस रहने वाला है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है 15 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बाय हैंड भी जमा करा सकते हैं और बाय पोस्ट भी आप जमा करा सकते हैं। अगर आप बाय पोस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करा रहे हैं, आपको यहाँ पर एड्रेस बताया गया है, आपको इस एड्रेस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना है। आगे इस नोटिफिकेशन में दूसरे पेज पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और साथ में सेल्फ अटेस्ट भी करना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक लिफाफे में बंद करना है और बताए गए एड्रेस पर आपको पोस्ट कर देना है। इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर बताया गया है दूसरे पॉइंट में ये वैकेंसी यहाँ पर आपकी टेम्परेरी बेसिस पर रहने वाली है। और आगे आपको यहाँ पर बताया गया है आपके एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बाय हैंड और बाय पोस्ट ही जमा कराना होगा। और आगे आपको यहाँ पर बताया गया है आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस भी रहने वाली है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है और SC ST OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपकी 50 रुपये फीस यहाँ पर रहने वाली है। आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा यहाँ पर जमा कराना है। आपको यहाँ पर बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज चूरू के फेवर में आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनवाना है। UR कैटेगरी वालों को आपको यहाँ पर 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और SC ST OBC कैटेगरी वालों को यहाँ पर 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनवाना होगा। आपको डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाकर बनवाना होगा इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज चूरू। और आगे आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू भी इस वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हैं।
तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 15 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक आपकी यहाँ पर रहने वाली है। 15 जुलाई से पहले आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।